यहाँ सिलाई कढ़ाई करके अकेला जीवन बिताती है, लेकिन प्रीति की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। उसकी भी कभी बहुत बड़े घर में शादी हुई थी। अपने ससुराल से पहले सप्ताह में प्रीति की नंदे उसे पूरी हवेली, खेत, बाग सब जगह घुमा चुकी थी। गांव में अपने पति ठाकुर ब्रिजेंद्र सिंह का मान सम्मान और जमीन जायदाद देकर प्रीति फूली नहीं समा रही थी। ब्रिजेंद्र की उम्र प्रीति से 10 साल ज्यादा थी। एक दिन प्रीति ने ब्रिजेंद्र से पूछा, आपने इतनी लेट शादी क्यों की? अगर आपकी शादी सही उम्र से हो गई होती तो अब तक तो आपके बच्चे भी होते। वो दरअसल बात ये थी कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब माँ और पिताजी बीमार रहने लगे, मुझे काम काज से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए माँ और पिताजी का ख्याल रखने के लिए अब मुझे शादी करनी पड़ी। तुम हमें जल्दी से हमारा वारिस दे दो, माँ और पिताजी पोते को गोद में खिलाने के लिए बेताब हैं। एक दिन घर में एक आदमी आया और कहने लगा, ब्रजेश जी, आपका पुराना मकान गिरने वाला है, बेहतर होगा कि बरसात से पहले उसकी मरम्मत करा दें। ब्रिजेश तुरंत उस आदमी को अकेले में ले गया और धीरे धीरे कुछ बातें करने लगा। प्रीति ने ब्रिजेश के पुराने मकान के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे पता भी नहीं था कि ब्रिजेश का कोई पुराना मकान है। प्रीति को ये भी अजीब लगा कि ब्रिजेश उस आदमी से अकेले में क्यों बात कर रहा है। जब वो आदमी चला गया तो प्रीति ने ब्रिजेश से पूछा, आपका कोई पुराना मकान भी है? मुझे तो आपने पुराने मकान के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ब्रिजेश ने बात काटते हुए कहा, हाँ, एक पुराना मकान है, उसके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। तुम मेरे लिए खाना लगा दो, जरा मुझे बाजार जाना है। प्रीति को लगा कि ब्रिजेश कुछ छुपा रहा है। एक दिन ब्रिजेश जब घर से बाहर गया हुआ था तो प्रीति चाबी का गुच्छा लेकर ब्रिजेश के पुराने मकान पर पहुंच गई। ब्रिजेश का पुराना घर एक बड़ा मकान था जो केयर ना करने की वजह से जर्जर हो चुका था। प्रीति ने मेन गेट पर लगे ताले की सारी चाबियां लगाकर देखी। काफी देर बाद एक चाबी से ताला खुल गया। प्रीति ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज हवा का झोंका आया जिसने प्रीति को एकदम से पीछे धकेल दिया। इस बंद मकान में इतनी तेज हवा कैसे आ सकती है? कुछ देर बाद हवा शांत हो गई। प्रीति ने जैसे ही मकान के अंदर कदम रखा, उसके कान में कोई फुसफुसाया। कौन है यहाँ पर? कोई जवाब नहीं आया। प्रीति को बस अपनी ही आवाज मकान में गूंजती हुई सुनाई दी। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। कुछ तो यहाँ ऐसा है जो ब्रिजेश मुझसे छुपा रहा है। प्रीति जैसे जैसे मकान के अंदर बढ़ रही थी, उसकी नाक सड़ी जा रही थी, क्योंकि मकान के अंदर एक बंद कमरे से भयानक बदबू आ रही थी। प्रीति ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, उसे उल्टी हो गई। कमरे में इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हुए थे जो सड़ रहे थे। प्रीति वापस मेन गेट की तरफ भागी, लेकिन उसके पैर एकदम से रुक गए जब उसने देखा कि मेन गेट पर एक झूला पड़ा हुआ है जिसमें एक औरत झूल रही है। कौन हो तुम? अचानक पीछे से किसी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। प्रीति ने चौंक कर पीछे देखा तो उसकी ननद पूजा खड़ी थी। भाभी, यहाँ क्या कर रही हो? भैया घर पर आ चुके हैं, बहुत नाराज हो रहे हैं। तुम घर पर किसी को बिना बताए यहाँ क्यों आ गई? प्रीति ने मेन गेट की तरफ देखा। वो औरत जो झूला झूल रही थी अब वहाँ नहीं थी। पूजा, तुम अंदर कब आई और क्या मेन गेट पर तुम्हें वो औरत? पूजा ने प्रीति की बात बीच में ही काटते हुए पूछा, मैं पीछे वाले दरवाजे से आई हूँ, अब जल्दी से चलो, भैया बुला रहे हैं। प्रीति घर पहुंची तो ब्रिजेश ने उससे चाबी का गुच्छा छीन लिया और गुस्से से बोला, जब वो मकान हमारा ही है और मैं वहाँ चली गई तो इसमें इतनी नाराज होने वाली क्या बात है? वो घर शापित है, भूत प्रेत का चक्कर है वहाँ, इसलिए उस मकान को बंद करके रखा है। कान खोल कर सुन लो, उस मकान में कभी मत जाना। प्रीति ने ब्रिजेश को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उस रात ब्रिजेश ने गुस्से में खाना भी नहीं खाया। प्रीति ने सोच लिया था कि वो पुराने मकान का रहस्य जानकर रहेगी।
ब्रिजेश हर साल जनवरी के महीने में फसल बेचने जाता था। एक दिन बाद लौटता था। प्रीति ने पूरी तैयारी कर ली थी कि जब इस बार ब्रिजेश फसल बेचने जाएगा तो वो पुराने घर में जाएगी। ब्रिजेश शाम को घर से निकल गया। रात में जब प्रीति की ननंद और सास ससुर सो गए तो प्रीति पुराने घर में पहुंची। घर में घुसते ही उसके कान में वही आवाज सुनाई दी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ, तुम किसे मारना चाहती हो? अंदर वाले कमरे का दरवाजा खुला, एक औरत बाहर निकली और बुरी तरह चीखते हुए प्रीति पर सड़े हुए इंसानी मांस के टुकड़े फेंक कर मारने लगी। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? मैं ब्रिजेश की पहली पत्नी हूँ। लेकिन ब्रिजेश ने तो कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। ब्रिजेश की शादी 10 साल पहले मुझसे हुई थी। शादी के 5 साल बाद तक मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। ब्रिजेश ने मुझसे कहा कि वो दूसरी शादी करेगा, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने बच्चा गोद लेने की सलाह दी। ब्रिजेश के माँ बाप को अपना ही बच्चा चाहिए था, इसलिए उन्होंने ब्रिजेश के लिए दूसरी लड़की भी ढूंढना शुरू कर दिया। मैं जब घर में क्लेश करने लगी तो ब्रिजेश एक रात मेरे मुंह पर कपड़ा बांध कर मुझे पुराने घर में ले गया और उसने मेरी हत्या कर दी। उसने मेरे शरीर के टुकड़े करके उसी घर में फेंक दिए और मेरे माँ बाप से कह दिया मैंने गंगा में डूब कर आत्महत्या कर ली है। ब्रिजेश की पहली पत्नी की आत्मा प्रीति को सब कुछ बता ही रही थी, तभी ब्रिजेश वहाँ आ गया। प्रीति, मैंने तुझसे यहाँ आने को मना किया था ना, फिर भी तू नहीं मानी। आखिर आज तुम इस घर में आ ही गए। ब्रिजेश अपनी पहली पत्नी की रूह देखकर डर गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आत्मा ने हंसिए से ब्रिजेश के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। ब्रिजेश को मरे 2 साल बीत चुके हैं। अपनी जिंदगी में घटी उस घटना के बाद प्रीति ने फैसला लिया कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी और स्वयं पर निर्भर रहकर अकेले ही जिंदगी बिताएगी। राधा 6 महीने की गर्भवती थी। उसका पति काम से दिन भर घर के बाहर रहता था और सास भी एक बुढ़ी औरत थी। घर का सारा काम राधा करती थी। धीरे धीरे सारा सामान जमा करना पड़ेगा सुनील, कुछ नए बर्तन भी चाहिए। हाँ, कपड़े मैं कुछ दिनों में ला दूंगा, बर्तन तुम यहीं आसपास से ले लेना। हाँ, आज बाजार जाके एक पतीला ले आती हूँ, बच्चे के लिए दूध गर्म करने के काम आएगा। भैया सही दाम लगाओ, हमेशा यहीं से तो लेती हूँ। इतने कम पैसे में तो आपको सेकंड हैंड बर्तन ही मिल सकते हैं। हाँ तो सेकंड हैंड दे दो, वैसे भी 2-3 बर्तन खरीदने हैं। पतीले में दूध डालते ही राधा को कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत दर्द में कराह रही हो। वो अपनी सास को भी पूछती है कि उन्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, और सास कहती है नहीं। उस रात वो सुनील से बात कर रही है। माँ जी के कान ठीक करवाने का समय आ गया है, आज कोई औरत कहीं चिल्ला रही थी और उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दिया। ठीक है, ले जाएंगे कभी डॉक्टर के पास। देखो फिर से चिल्ला रही है वो औरत, पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा है, बहुत दर्द में लग रही है। कौन सी औरत? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें एक औरत के चीखने की आवाज नहीं आ रही? दर्द में चीख रही है कहीं दूर से। माँ के नहीं बल्कि तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। दूसरी सुबह राधा की नजर पतीले पर पड़ती है और वो पतीले की तरफ देखती रह जाती है। वो देखती है कि उबलते हुए दूध में उसे कुछ दिख रहा है। उसे दिखता है कि एक गांव का पुराना मुखिया नदी में डूब के मर जाता है। राधा तभी अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, माँ जी यहाँ आइए। माँ जी आपको इस दूध में कुछ दिख रहा है? नहीं राधा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। माँ जी जब से ये पतीला घर में आया ना, तब से मुझे अजीब चीजें सुनाई दे रही हैं, अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे तो ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ जी, आप ऐसे उदास क्यों लग रहे हैं? तुम्हें गांव का पुराना मुखिया याद है? हाँ याद है, बिल्कुल याद है।
उसे कुछ हो गया क्या? हाँ, वो पानी में डूब कर मर गया आज। क्या हो गया राधा, तुम रोने क्यों लग गई? राधा दूसरे दिन फिर से दूध उबाल रही होती है और फिर से उस लड़की के चीखने की आवाज आती है। वो बेबस होकर उस पतीले को गैस से उतारती है। उसे पतीला उतारते वक्त दूध में दयानाथ के नौजवान बेटे दीपक की पेड़ से गिर के मौत होते हुए दिखाई देती है। राधा घबराकर उस व्यापारी के पास जाती है जहाँ से उसने ये पतीला खरीदा था। भैया, वो पतीला जो मैंने आपसे खरीदा था उसमें मुझे अजीब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही हैं। क्या आपको भी? उस पतीले के मालिक ने इसी वजह से उसे बेच दिया था। मुझे लगता है उस पतीले में कोई बुरा साया है। वो सारे बर्तन मैंने दयानाथ के घर से लिए थे, उसके बहू के घर से आए थे ये सब। उसकी बहू को दहेज के चक्कर में आग लगाकर मार डाला दयानाथ और उसके बेटे ने। जरूर उसी लड़की की आत्मा होगी इस पतीले में। आप मुझे ये बताइए कि मैं उस आत्मा से छुटकारा कैसे पा सकती हूँ? अब तो दयानाथ और उसके बेटे मर गए तो शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। दयानाथ का बेटा भी मर गया? ये कब हुआ? अभी आपके यहाँ आने से पहले वो पेड़ से गिरकर मर गया। मैं इस पतीले को अपने घर में नहीं रख सकती। मेरा बच्चा इस भूतिया पतीले से दूध नहीं पिएगा। मैं इसे घर में नहीं रखूंगी। दीदी, क्या हो गया? अपने आप क्या बातें कर रही हो? ओ रिमा, मैं तो भूल ही गई कि तुम आज आने वाली थी। अच्छा, अपनी बहन के बारे में ही भूल गई? क्या बताऊं रीमा, घर के काम में ना इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि। अच्छा रीमा, एक काम कर, ये पतीला तू ले जा। तू बोलती थी ना तेरे पास अच्छा पतीला नहीं है, तो ये अपनी बहन का तोहफा समझ कर रख ले। बड़ी मेहरबान हो रही हो दीदी आप। ठीक है, दे दो। चलो, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। रीमा पतीला लेके अपने घर चली जाती है। रीमा जब दूध गर्म कर रही होती है उसे भी उस लड़की की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो जब पतीले के पास जाती है तो उसे दूध में अपनी बड़ी बहन दिखती है। राधा के पीछे एक भयानक जली हुई चुड़ैल खड़ी थी जो झपट के राधा के ऊपर चढ़ जाती है और राधा और चुड़ैल दोनों आग की लपेट में गायब हो जाते हैं। रीमा चिल्लाती रह जाती है पर अपनी बहन को नहीं बचा पाती। दीदी, ये सब देखने के बाद रीमा ने वो पतीला अपने दोस्त को दे दिया और रीमा की भी अपनी बहन के जैसी ही आग में जल के मौत हो गई। उस दिन से जिसने भी उस पतीले को किसी और को दे दिया वो आग की लपटों में जलकर मर गया।